मंदिर खुलवाने के लिए वीएसपी का प्रदर्शन, गांव देवी मंदिर के सामने जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने मुंबई के गांव देवी मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द मंदिर खोलने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के मुंबई जिला प्रमुख लालचंद मलिक ने कहा कि राज्य में मंदिरालय खुले हैं और देवालय बंद हैं। मंदिर में तो लोग पहले से ही सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना का बहाना बनाकर मंदिर ना खोलना हिंदू समाज पर बहुत बड़ा अन्याय है। आज यहाँ पे इस स्थान पे महाराष्ट्र में पिछले 7 महीने से जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था उसका हिंदू समाज ने पूरा समर्थन करते हुए उसके जितने भी नियम और कायदे सरकार द्वारा बताए गए सभी का पालन किया गया। जैसे जो पिछले 2 महीने से पूरे प्रदेश भर में और साथ में देश में अनलॉक करने का कार्यक्रम चालू है। 22 अगस्त से सभी दुकानें खुली, मार्केट खुले, उसके बाद बसें शुरू हुई, उसके बाद में सभी कॉम्प्लेक्स चालू हुए, धीरे धीरे अभी महिलाओं के लिए ट्रेन खुल गई है, उसके बाद दशहरे से कल से जिम खुल रहे। लेकिन दुखद बात यह है कि हिंदुओं के जो श्रद्धा स्थान है, हमारे मंदिर, वो सरकार नहीं खोल रही है। इसलिए आज हम यहाँ सभी पूरे कोंकण प्रांत में आज ही के दिन शाम को 5 बजे सभी जिलाओं में एक जगह पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सरकार से हमारी ये विनंती है, मांग है कि हिंदुओं के श्रद्धा स्थान मंदिर, क्या शराब समाज के लिए ज़्यादा जरूरी है या मंदिर में भगवान ज़्यादा जरूरी है? इसलिए आज ये विरोध का कार्यक्रम सरकार की नीति का हमने यहाँ पे रखा है। इसके माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर खोलने की परवानगी दें। हम ये चाहते हैं सभी पक्ष हमारे लिए समान है, लेकिन कांग्रेस या शिवसेना नीत जो भी सरकार है उनका ही निर्णय का हिंदू समाज तीव्र निषेध करता है। और अगर अभी उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करेंगे। ये पूरे हिंदू समाज का श्रद्धा, भक्ति और आस्था का विषय है। जहाँ पे मंदिरालय खोला जा रहा है, अभी ट्रेन खोली गई है, वहाँ पे ट्रेन से प्रवास शुरू है, लेकिन ये हिंदू के त्यौहार है दशहरा। 3-3.5 मुहूर्त जो हिंदू के मुहूर्त है उसमें से एक है विजयादशमी का त्यौहार। तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो हमारी संस्कृति तो विजय विश्व की संस्कृति है। तो उसमें मंदिर बंद रखेंगे तो कोविड का प्रादुर्भाव होगा, ऐसा नहीं है। ये श्रद्धा है, ये भक्ति का स्थान है, तो यहाँ जाएंगे, अर्चना करेंगे, भक्ति से भगवान का पूजन करेंगे तो मन शांति मिलेगी। तो इस दौरान आफ्टर कोविड के बाद मन शांति की अवस्था क्या, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी है। भगवान के पास जाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए भगवान का दर्शन होना आवश्यक है। या आप मंदिरालय खोलेंगे, बार खोलेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक घंटा आदमी वहाँ बैठ कर मदिरा पी रहा है, उसको कोविड का इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान के पास जाकर हम दर्शन करेंगे, ये हमारा अधिकार है, पूरे हिंदू समाज का अधिकार है। ये हमारी अस्मिता है, ये हमारी भक्ति है, ये हमारी श्रद्धा है, आस्था का सवाल है। इसके लिए तुरंत मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले हो, ये हमारी मांग है। या फिर हिंदू समाज सोचेगा और खुद जाकर वहाँ ताला खोलेगा, फिर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न हुआ, उसके लिए सरकार जवाबदारी है। देखिए, आप देखेंगे तो एक यहाँ पे हार बेचे जाते हैं, नारियल बेचे जाते हैं, अंदर पुजारी अर्चना करता है, उसका रोजगार का प्रश्न हुआ है। तो हम मंदिर खोलेंगे, उसके साथ रोजगार भी बढ़ेगा, योग भी बढ़ेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।